नमस्कार दोस्तों, मैं शहजाद जस्ट ऑटो से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे क्लास के अंदर मीटर के प्रोसेस के हिसाब से चलाया जा रहा है और आज हम देखेंगे, हम अपने स्टूडेंट से ही बात करेंगे कि आज उन्होंने क्या सीखा। नमस्कार, मैं गुवाहाटी अहमर बोरा गुजरात आईसु एशियम एंड मीटर के लेकर काम करें तब प्रॉपरली खिकीब कारण मैं आज आमी शिकी आसो कोनो डायग्राम बा कोनो कनेक्शन नुहाके आमी मीटर केने के ऑन करिबो पारि हेतु बिखाय आज आमी शिकी आसो आरो एतु आमाक सारे भालके शिकाय दिसे जे कोनो डायग्राम आ कोनो कनेक्शन नुहाके आमी मीटर टु केने के ऑन करिबो पारि। नमस्ते दोस्तों, मैं विशाल चौहान, मैं यूपी से आया हूँ गुजरात में। ईसीएम और ऑटोमीटर कैसे सीखते हैं यहाँ पे सर हम लोग को सिखाए हैं बिना कोई डायग्राम और बिना कोई कनेक्शन से मीटर को कैसे ऑन किया जाता है वही हम लोग सीख रहे हैं। सर हमें बहुत अच्छे तरह सिखाया। नमस्ते मित्रों, हूँ वासु अने जूनागढ़ आयो छु। अहीं मीटर अने ईसीएम रिपेरिंग करता सीखवा। आज हमने सरे मीटर डायग्राम के कनेक्शन वगैरह केम ऑपरेट करूँ ते सीखवाड़ी। तो आज हमने अपने स्टूडेंट से भी देखा कि हम किस तरह से सिखाते हैं बिना डायग्राम के, बिना किसी सर्किट बोर्ड के या बिना किसी फोटो के। हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मीटर को बिना डायग्राम के यूज़ कैसे करते हैं, उसे चेक कैसे करते हैं, किस तरह से यूज़ करना है, कितने पॉइंट का एडिप्टर यूज़ करना है और किस तरह का खास ख्याल रखना है। इस तरह के हम बहुत सारे टॉपिक चीज़ों पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि मीटर को चेकिंग कैसे करना है, मीटर के अंदर मोटर कौन सी खराब हुई है उसको कैसे चेक करना होता है, मीटर के अंदर कौन सा सिस्टम नहीं चल रहा है उसको कैसे चेक किया जाता है, और जो कंपोनेंट्स होते हैं प्रॉब्लम किस तरह से क्रिएट होते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ सीखते हैं।